जसवंत सिंह माथुरी मेरठ, और मैं कला समीक्षक हूँ। ये जो प्रदर्शनी मैं देख रहा हूँ, ये प्रदर्शनी पहली बार ऐसी किस तरह का देख रहा हूँ जो मानव धर्म, प्रकृति के बारे में, पेड़ों के बारे में उन्होंने समझा कि ये प्रकृति जो हमारा एक परिवार है, हम इसे इसकी रक्षा करनी चाहिए। इनसे औषधियाँ मिलती हैं, जीवन मिलता है, ऐसे खाने पीने के लिए मिलता है। तो लेडीज़ तो इसमें देखने को मिल रही है, इसमें मनुष्य का भी भागीदारी होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा। और क्या नाम बताया था इनका? महर्षि जी। महर्षि जी, और इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, ये और आगे बढ़े। और जो इनकी पत्नी है, सहभागी है, उनका भी यही एक दिमाग में रहता है कि प्रकृति को प्रेम करो। और इनका छोटा बच्चा, वो भी प्रकृति, दूसरे की भावना को, और ऐसे बच्चे से सीखना चाहिए और ऐसे गार्जियन मिलना चाहिए कि जो अपने बच्चों को स्वयं ही शिक्षा दे रहे हैं, और वो शिक्षा वो जिससे कि मानव जाति में प्यार बढ़े, इंसान इंसान को समझे, प्रकृति को समझे। और ये जो ज़्यादातर लेडियाँ जो चमक रही हैं, ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसको हम नमन करते हैं, सलूट देते हैं। नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? जो हमारे आदिवासियों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं इसका, कि इस तरह की जातियाँ, आदि जातियाँ जो हमारे भारत में हैं, उनको भी नमन, साथ लेकर चलना बहुत अच्छी बात है। इनको बधाई जिन्होंने एग्जीबिशन लगाई है, सहयोगियों को सबको धन्यवाद। फोटोग्राफी देख करके ऐसा लग रहा है कि जीवंत हो उठिए इस तरह की एग्जीबिशन जो है। और उनकी कला को मैं दाद देता हूँ, और बहुत अच्छा लगा ये प्रदर्शनी, और आगे बढ़े। और ये प्रेरित होने से लेडीज होने के बाद इसमें मनुष्य जाति का भी, मेल का भी इसमें सहयोग होना चाहिए। लेडीज तो है ही, जैसे लिए ये प्रकृति का एक नमूना है, या महिला भी है सशक्ति का, और हमारे देवताओं को और प्रकृति को मनवाने में सहायता देती हैं। मैं बधाई फिर देता हूँ उनकी फोटोग्राफी को। सभी क्या नाम बताया था सर का? महर्षि। महर्षि जी, महर्षि का कार्य देख करके सब लोगों को उनको सहयोग करना चाहिए, और सरकार इनको भी पुरस्कृत करे। ऐसे मैं बधाई देता हूँ प्रदर्शनी के लिए। फिर पुण्य आयोजकों के लिए धन्यवाद।